बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मैट्रिक, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड फोर लेसन्स। नंबर वन द वॉइस ऑफ गॉड, नंबर टू द वॉइस कैलिफ, नंबर थ्री प्रोफेशंस, ए टीचिंग, बी फिशिंग, एंड लेसन नंबर फोर लिटिल थिंग्स पोएम। Now today we will start lesson number 5, a visit. Lesson number 5, a visit. Mr. Hammond's class had been planning a picnic for some time. Mr. Hammond ki class picnic manane ke liye program bana rahi thi. The headmaster had allowed them a day's outing and they were to go by the school bus. They were to go by the school bus. Headmaster साहब ने उनको एक दिन की सैर की इजाज़त दे चुके थे और वो स्कूल की बस पर जाने वाले थे। मिस्टर दे वर नेचुरली वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा फितरी तौर पर खुश थे। मिस्टर अहमद अरेंजड द विजिट टू अ फार्म विथ मिस्टर हसन, द मैनेजर ऑफ द मॉडल एग्रीकल्चर फार्म। मिस्टर अहमद ने मिस्टर हसन से, जो एक एग्रीकल्चर फार्म, जो एक ज़रई फार्म के मैनेजर थे, उससे मिलकर पिकनिक, उससे मिलकर फार्म घूमने का प्रोग्राम बनाया। इट वॉज अ प्लेजेंट डे इन अप्रैल, अप्रैल का खुशगवार दिन था। व्हेन मिस्टर अहमद एंड हिज क्लास रीच्ड द मॉडल फार्म, जब मिस्टर अहमद और उसकी क्लास मॉडल फार्म पर पहुंची, हसन रिसीव देम एट द गेट एंड शोड देम अराउंड, और मिस्टर हसन ने उनका इस्तकबाल किया और उनको फार्म घुमाया। द बॉयज हैड नो आइडिया दैट एन एग्रीकल्चर फार्म कुड बी सो लार्ज एंड इंटरेस्टिंग। बच्चों को ये जहन में नहीं था कि जो एक मॉडल फार्म है वो इतना बड़ा और दिलचस्प होगा। इट वॉज द वीट हार्वेस्टिंग सीजन, ये गंदम की कटाई का मौसम था। द पार्टी सॉ ह्यूज मशीन कॉल्ड द कंबाइन वर्किंग इन द वास्ट वीट फील्ड्स। पार्टी ने एक मशीन कंबाइन को काम करते हुए खेतों में, एक गंदम की बहुत बड़ी वसी तरह खेतों में देखा। इट कट द क्रॉप एंड टाइड इट इनटू शीव्स, वो फसल को काटती थी और पोलियां बांधती थी। With one weep, it seemed to eat up a large area of the golden crop, which came out tied into a bundle at the other end. वो एक ही हरकत में गंदम के बहुत बड़े सुनहरी फसल को, फसल को लपेट लेती और दूसरी तरफ दूसरी तरफ बंडल बंद कर बाहर निकल आ जाती थी। एक तरफ से एक ही हरकत में उसको लपेट लेती थी गंदम की बहुत बड़ी सुनहरी फसल को, और दूसरी तरफ जो है वो बंडल बंद कर बाहर आ जाती थी। द वीट देन वेंट इनटू थ्रेशर व्हिच सेपरेटेड द ग्रेन फ्रॉम द चाफ। उसके बाद गंदम जो है वो थ्रेशर यानी गला निकालने वाली मशीन में जाती थी, जिसमें वो थ्रेशर जो गंदम से दाने अलग करता था और भूसा अलग करता था। फ्रॉम वन एंड ऑफ द मशीन फेल अ गोल्डन रेन ऑफ स्वीट स्मेलिंग वीट व्हाइल चाफ फ्लू आउट एट द अदर। एक मशीन के एक तरफ से खुशबूदार सुनहरी गंदम की फसल निकल रही थी तो दूसरी तरफ से भूसा निकल रहा था। द स्टूडेंट्स वॉचड द वर्किंग ऑफ द मशीन विथ कीन इंटरेस्ट, बच्चों ने इस मशीन को काम करते हुए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से देखा। मिस्टर हसन ने कहा, द होल प्रोसेस ऑफ प्लोइंग, सीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग द कॉर्न इज डन विथ मशीन्स ऑन आवर फार्म। सारा जो काम है हल चलाने का, बीज बोने का और गंदम की कटाई का, और यानी गंदम निकालने का, गला निकालने का, ये सारा काम जो है वो हम अपने फार्म पर मशीन से ही करते हैं।
One man working with this machine can do as much work as 100 men working without it. एक मशीन पे काम करने वाला बंदा 100 लोगों जितना काम कर सकता है, 100 लोग काम कर सकते हैं सिवाय इसके मशीन के, मशीन के सिवाय 100 लोग उसकी जगह काम कर सकते हैं। जहां पर एक बंदा एक मशीन पर बैठकर काम कर सकता है, मशीन के सिवाय 100 बंदा जो है उसके बराबर काम कर सकते हैं। बिलाल वन ऑफ द स्टूडेंट, सर डू यू गेट बिगर क्रॉप्स इन दिस वे? बिलाल एक स्टूडेंट्स ने कहा कि सर क्या आप इस तरह से ज़्यादा फसल हासिल करते हैं? मिस्टर हसन, ओ मच बिगर, हाँ बहुत ज़्यादा फसल हासिल करते हैं। वाइल एन एवरेज फ्राम प्रोड्यूस 15 to 20 क्विंटल्स ऑफ वीट फ्राम एवरी हेक्टर, वी प्रोड्यूस एज मच एज 60 to 70 क्विंटल्स। मिस्टर हसन ने कहा कि हम जहाँ एक रिवाजी फसल में एक हेक्टर से 15 से 20 क्विंटल हासिल होता है, मगर हम 60 से 70 क्विंटल जो है पर हेक्टर जो फसल है वो हासिल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कीप दिस पार्ट ऑफ द लेसन, दिस इज द वन पार्ट। टुमारो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन, सो कीप इन माइंड दीज लाइंस एंड अंडरस्टैंड देम वेरी वेल। थैंक यू।